अब खबर है वरोरा तहसील से, जहां तहसील के शेगांव भुज में एक भव्य रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में रुग्णों ने लिया। किसके सहयोग से इस रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, आइए जानते हैं इस खबर में। तहसील के शेगांव भुज में दत्ता मेघे उच्च शिक्षण और संशोधन संस्थान द्वारा संचालित आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय सावंगी मेघे जिला वर्धा के संयुक्त तत्वाधान में सर्व रोग निदान और उपचार शिविर लिया गया, जिसमें 250 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ लिया। इसमें प्रौढ़ युवक युवतियों ने भी अपना उपचार किया। इस शिविर में रक्तचाप, लंबे समय तक बुखार, किडनी रोग, हृदय रोग, बार बार चक्कर आना, नेत्र रोग, मोतिया बिंदु सर्जरी, साथ ही रूमेटिक स्पाइन रोग, मुड़े हुए पैर का फ्रैक्चर, सभी हड्डी रोगों का इलाज इस समय किया गया। इसी के साथ महिलाओं से जुड़ी कई बीमारियों का भी उपचार किया गया। इस समय अनेक मरीजों को उनके उपचार के लिए विशेष मार्गदर्शन कर दवाइयाँ साथ ही जरूरत की सामग्री निशुल्क दी गई। शिविर का उद्घाटन सरपंच सिद्धार्थ पाटिल इनके हाथों किया गया। इसमें मार्गदर्शक के तौर पर मुरलीधर उमाटे, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता राशिदा शेख, सामाजिक संरक्षण अधिकारी हेल्पेज इंडिया वरोरा अक्षय बुंदगुलवार मान्यवर उपस्थित थे। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अंकित जायसवाल, डॉक्टर अपूर्वा धाबे, स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर शुभांगी नागपुरे नेत्ररोग, डॉक्टर महर्षि पटेल जनरल फिजिशियन आदि अधिकारी शिविर में उपस्थित थे। शिविर को सफल बनाने के लिए अमोल दातार, आकाश नाकाड़े, संदीप चौधरी आदि गांव वासियों ने अमूल्य सहकार्य किया। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि जगदीश पेंडाम की रिपोर्ट।